बोलो भारत माता की जय। आवाज ऐसी नहीं आई जितनी शक्ति का वर्णन आदरणीय पंकज जी ने किया। हाँ, और थोड़ी ऊंची आवाज शायद आ सकती है। बोलो भारत माता की जय। अब ये दम लगा कि चंद्रयान 3 उतरा है। सबसे पहले परम पूज्य भारत माता, मंच पर आसीन आदरणीय पंकज जी मित्तल, प्रतिमा जी, सुनीता जी और इस सभागार में उपस्थित विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत सब महिला कार्यकर्ता बंधुगण, सभी को सादर नमस्कार। जिसका उल्लेख अभी अभी किया, अभी परिचय में भी बताया, नाम चंदा है तो चंद्रयान पर वाहन उतरा तो बहुत ज्यादा खुशी है। तो बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन सभी को इस एक गौरवशाली क्षण का, जो भारत, हम आज पूरे भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी लोग जिस गौरव की अनुभूति कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी हम सब लोग यहाँ दिल्ली के इस पहले सम्मेलन में उपस्थित हैं। मुझे याद आ रहा है, मैं पिछले वर्ष ऐसे ही एक महिला सम्मेलन में गई थी। किसका था वो महिला सम्मेलन? एक संस्कृत भारती करके एक संगठन चलता है, उनका वो महिला सम्मेलन था। वहाँ देश भर से 450 महिलाएं आई थी। तो आप कहेंगे 450 महिलाएं आई तो उसमें क्या बड़ी बात है, अभी तो हम यहाँ शायद 450 से ज़्यादा हैं। तो देश भर से 450 महिलाएं ऐसे आई थी जो संस्कृत में बोल सकती है, ढाई दिन का सम्मेलन था और वहां कुछ उसके साथ साथ एक बैठक भी थी। तो वहां लगभग 1100 महिला और पुरुष कार्यकर्ता थे। सूचनाओं से लेकर, अभी जैसे अभी बता रहे हैं ना आपको, यहाँ से सूचनाएं दी जाती है कि मोबाइल साइलेंट पर रखिए वगैरह, शांति बनाए रखिए वगैरह, जो भी है। तो सारी सूचनाएं 24 घंटे सब संस्कृत में ही चल रहा था। ये मैं भारत देश के हरियाणा में हुए सम्मेलन की बात कर रही हूँ। तो ऐसा पहली बार अखिल भारतीय महिला सम्मेलन संस्कृत भारती के द्वारा हुआ और सभी के पास कुछ ना कुछ दायित्व था उस संगठन का। तो जानकर और उन सभी महिलाओं को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। आज जो हमारा दिल्ली का सम्मेलन है वो स्टार्टर है ना। स्टार्टर अगर बहुत डेलीशियस, स्वादिष्ट है तो आगे का मेनू भी वैसा ही होता है। तो आज हमारे ऊपर दायित्व है कि हम स्टार्टर एक बढ़िया करें। इसी के तहत हम सब आज एकत्रित हैं और ये जो विभाग है वो कहलाता है रामकृष्ण विभाग। तो भगवान श्री राम कृष्ण दोनों के आशीर्वाद हैं हमारे ऊपर। तो इससे हमारे सम्मेलन का प्रारंभ हो रहा है। अभी का जो विषय है, वैसे तो मनोविज्ञान के अनुसार लगातार 20 मिनट व्यक्ति सुन सकता है अच्छे से ध्यान देकर। तो अभी लगभग एक घंटा होने को आया है। हाँ, लेकिन संक्षेप में कुछ बातें रखूंगी। अगर हम सोचे इस विषय की आवश्यकता क्या है, तो एक तो हम यहाँ बैठे अधिकतर महिलाएं हैं, भारतीय महिला है। तो हमारे विषय में अपना देश क्या सोचता है, अपना देश का तत्वज्ञान क्या सोचता है, यह हमें जानना आवश्यक है। दूसरी बात, महिला संबंधी आज समाज में अनेक प्रकार के प्रश्न हैं। तो उन सब प्रश्नों को, या कुछ कुरीतियां भी है, उन सब कुरीतियों को अगर हमें दूर करना है तो भारतीय चिंतन क्या है, यह जानने की हमें आवश्यकता है। उस चिंतन के आधार पर उन समस्याओं को हम कैसे सुलझाएंगे, इसको हमें विचार करना होगा। और जैसा कहा कि 50% हम जनसंख्या में महिला शक्ति है, तो उस शक्ति को अगर हम जागृत करें तो ही देश का विकास अच्छे से हो सकता है और हमारी सहभागिता बढ़ सकती है। इन सभी कारणों से यह विषय हम थोड़ा सा कुछ प्रमुख बातें देखेंगे। अभी भारतीय चिंतन क्या कहता है? सबसे पहली बात कहता है
एक ही चैतन्य है, उसको हम अलग अलग रूप से बोलते हैं, ईश्वर कहते हैं, ब्रह्म तत्व कहते हैं, जो भी है वो एक ही है। उसका दो में विभाजन हुआ, स्त्री और पुरुष, लेकिन मूल तत्व एक ही है, चैतन्य। दूसरी बात हम मानते हैं, सभी में ईश्वर का वास है, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना। इतना ही नहीं, हम अगर जा रहे हैं, हमारा पैर वो नीचे पड़ी कोई वस्तु को लग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं उसमें भी ईश्वर है। तो सभी जगह ईश्वर का वास है, प्राणी, पक्षी, जीव, जंतु, सजीव, निर्जीव, जड़, चेतन, सभी में इस ईश्वर का वास है, ऐसा हम मानते हैं। कहां तक ये मानते हैं, तो एक संत की शायद कथा आपने सुनी होगी कि वो भोजन कर रहे थे, भोजन करते हुए वहां एक कुत्ता आ गया और उनके सामने जो रोटी रखी हुई थी वो रोटी लेकर भाग गया। तो ये जो संत थे उन्होंने क्या किया, घी का कटोरा लिया, सुनिए, घी का कटोरा लिया और उस कुत्ते के पीछे दौड़ चले। बोले, अरे रुक 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 रुक, रोटी सूखी रोटी मत खा, उस रोटी के ऊपर घी तो ले जा। तो हम सिर्फ ये तत्व क्या में नहीं मानते कि ईशावास्यम इदम सर्वम, सभी में ईश्वर का वास है, तो मेरी जैसी आवश्यकता है वैसे प्राणी पक्षी जीव जंतु की भी आवश्यकताएं हैं, इसका ध्यान हम रखते हैं। तीसरी बात, हमारा जो ध्येय है वो विश्व कल्याण, हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, मात्र हमारा धर्म कहता है और कोई नहीं कहता, हम ही कहते हैं कि सभी सुखी हो, बिल्कुल। यानी वो जड़ भरत मुनि थे ना, वो ऐसा उनके हाथ में पालखी थी और वो ऐसे ऐसे करके चल रहे थे, तो अंदर जो राजा बैठे थे वो पूरे हिल रहे थे, तो उन्होंने बाद में पूछा, अरे पालखी इतनी क्यों हिल रही है, तो वो जड़ भरत मुनि ने उत्तर दिया, वो रास्ते में ना चींटी कीड़े मकोड़े थे, उनको मैं बचा बचा के चल रहा था। तो इतने सर्वे भवन्तु सुखिना की हमारे देश में कल्पना है। चौथी बात, हम मानते हैं कि सभी लोग अलग अलग, उपासना पद्धति सबकी अलग अलग है, लेकिन वो अंत में जाके भगवान ईश्वर को ही प्राप्त होती है, सत्य एक ही है ईश्वर। उसको कोई ऐसी बिंदी लगाता है, कोई ऐसी बिंदी लगाता है, कोई ऐसी बिंदी लगाता है, कोई किस प्रकार से पूजा करता है, कोई हाथ जोड़ता है, कोई ऐसे करता है, जो भी करो आप, लेकिन आप उसी ईश्वर को प्राप्त करोगे, ऐसा हमारा विश्वास है। पांचवी बात, हम मानते हैं कि दोनों के सहित पूर्ण तत्व, पूर्णता, दोनों के सहयोग से पूर्णत्व होता है, स्त्री और पुरुष या कुछ भी कहो, विश्व में जो भी सृष्टि, परमेष्टि, व्यष्टि, समष्टि जो भी है, उनमें परस्पर पूरकता है। हम अगर विचार करें कि अकेले ने जीना है तो हम जी नहीं सकते, इतना सब कुछ है, ये जो मैंने वेश धारण किया है, जो चश्मा पहना है, जिस माइक से बोल रही हूं, सभी को किसी ना किसी ने तैयार किया है, इसलिए मेरी आवाज आज आप तक पहुंच रही है। तो ये सब परस्पर पूरकता पर आधारित है, परस्पर सहयोगी है, परस्परावलंबी है, ऐसा हम मानते हैं। इसी में हम मानते हैं, देखो, पूर्णत्व अर्धनारी नटेश्वर हमारी कल्पना है, या जिसको प्रधानमंत्री जी ने कल प्रातः लैंडर पॉइंट को क्या नाम दिया, हमारी संकल्पना सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है शिव शक्ति की, चंद्रमा पे भी अभी शिव शक्ति है। तो हम ऐसा मानते हैं कि शिव और शक्ति, महिला पुरुष, यहां मिलकर एक पूर्णत्व प्रदान होता है। हमारी जीवन दृष्टि कैसी है, ना वो स्त्री प्रधान है ना वो पुरुष प्रधान है, वह धर्म प्रधान है, वह कर्तव्य प्रधान है, इसी से हमारा एक जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। अभी यह तो हो गया भारतीय चिंतन, अब ये महिला के विषय में क्या कहता है, सबसे पहली बात कहता है कि आत्मा जो है ना, वो जो तत्व है ना, वो सभी में, हम महिलाओं में भी है, हम ऐसा नहीं मानते महिला में पुरुष में कुछ है, महिला में कुछ है, नहीं, आत्मा सभी में वास करती है, स्त्री और पुरुष सभी में। गुण उसके कुछ भिन्न है, उसके कुछ स्वभाव भिन्न है, कुछ सामर्थ्य भिन्न है, लेकिन आत्मा तो सभी में है। दूसरी बात, हम महिला को क्या मानते हैं,
आदिशक्ति, आदिशक्ति के रूप में मानते हैं, शक्ति स्वरूपा मानते हैं, इसीलिए वो शिव शक्ति है, वो निर्माण कर्त्री है, वो धारण कर्त्री है ना। सृजन की शक्ति किसको दी है? भगवान ने, ईश्वर ने महिला को सृजन की शक्ति दी है। नवरात्रि में हम नवदुर्गा की पूजा करते हैं क्योंकि ये एक प्रकार की शक्ति की उपासना हम करते हैं। तो गौरव और सम्मान की भावना स्त्री के प्रति हमारे चिंतन में, हमारे धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में है। बिल्कुल अगर छोटा सा ये बताऊं तो जब मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल जब चालू होती है तो आज भी हमारे देश में ऐसे कुछ स्थानों पर परंपरा है कि जब उसका मासिक चक्र चालू होता है तो उसकी पूजा की जाती है। उसका तात्पर्य क्या है कि उसके पास अभी सृजन करने की शक्ति प्रारंभ हो गई, इसलिए उस दिन उसकी पूजा की जाती है, यानी एक सम्मान का स्थान उसको दिया जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने स्वयं के पत्नी शारदा माता जी की भी षोडशोपचार पूजा की थी, ऐसे उल्लेख उनके चरित्र में मिलता है। और हम स्त्री को क्या मानते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है, हम स्त्री को मानते हैं मातृ रूपा, माँ के रूप में मानते हैं। मातृवत परदारेषु, आज के काल में कहना ना, तो आजकल लोग बोलते हैं खुद की पत्नी के अलावा, है ना, सभी को माँ मानते हैं। तो माँ के, माँ जैसी दृष्टि से हम सभी महिलाओं को, या तो माँ या तो बहन। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में क्या कहा, पहला वाक्य, भाषण का पहला वाक्य, हाँ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों, बहनों और भाइयों, इस प्रकार का उन्होंने जब वर्णन किया, जब भाषण में उन्होंने बोला तो वर्णन ऐसा मिलता है कि जितने भी सभागार में लोग उपस्थित थे वो इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए कि कोई अपने को अपना भाई बहन कह रहा है, वो खड़े होकर तालियां बजाने लगे। इतना ही नहीं, तालियां लगातार बजाते रहे, तालियों के बावजूद किसी ने टोपी पहनी थी, किसी के हाथ में रुमाल था, तो वो ऊंचा ऊंचा उड़ा रहे थे। इतनी खुशी वहां के धर्म परिषद में लोगों को हुई क्योंकि कोई मुझे बहन कह रहा है, कोई मुझे भाई कह रहा है। तो मातृ स्वरूपा, हम महिला को मातृ के, मातृ स्वरूपा देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के ही जीवन की एक घटना है। वो एक बार अमेरिका में गए थे तो एक महिला उनको बोलती है, स्वामी जी मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। हाँ, स्वामी जी को बोलते हैं, तो स्वामी जी बोलते हैं क्यों, क्या कारण है? तो वो महिला उत्तर देती है, मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए। ऐसा वो महिला बोलती है कि मुझे आपके जैसा तेजस्वी पुत्र चाहिए। जिस क्षण ये वह वाक्य उच्चारण करती है उसी क्षण स्वामी विवेकानंद उसके चरणों पर बैठ जाते हैं, प्रणाम करते हैं और बोलते हैं, माँ आज से मैं आपका पुत्र बन गया। तो हमारा चिंतन, हमारा तत्व ज्ञान सिर्फ बताता नहीं है कि स्त्री यह मातृ स्वरूपा है, उसके व्यवहार में, लोगों के व्यवहार में, चलन में यह उदाहरण हमको दिखाई देते हैं। धार्मिक आचरण में भी महिलाओं को अधिकार है, ऐसा हमारा तत्वज्ञान मानता है। हाँ, इतना ये तत्वज्ञान ही नहीं है, जैसे मैंने कहा, अगर हम वेदों की, अभी कुछ उदाहरण माननीय पंकज जी ने भी दिए, जैसे अब हम वेद काल से प्रारंभ करें तो स्त्री देवता हैं, सरस्वती है, मेधा है, उषा है, अदिति है, ऋषिकाएं हैं, ब्रह्मवादिनी है, कृषि क्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र में है, हाँ, इस सभी में निपुण थी महिलाएं, वैद्यक है यानी मेडिकल साइंस है, व्याकरण है। स्त्री पुरुष समानता आजकल की एक भाषा और प्रसिद्ध यह शब्द बन गया है, लेकिन हम तो मानते हैं ईश्वर के वही दो भाग है, स्त्री और पुरुष, हमको अलग से समानता या बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वेदों में ऐसा उल्लेख है कि स्त्री पर अगर अत्याचार हुए तो उसका निराकरण करना चाहिए, बलात्कारी, देखिए ध्यान से सुनिए,
बलात्कारित स्त्री को पुनः स्वीकार करना चाहिए, ऐसा वेदों में उल्लेख मिलता है। बच्चे को पिताजी का नाम पता नहीं था, तो उसने अपने माँ का नाम बताया। सत्यकाम जाबाली कथा, ऐसी एक प्रसिद्ध कथा हमें मिलती है अपने साहित्य में। अथर्ववेद में कहा है, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है नहीं होता, वहां विपत्तियां आती है। तो ऐसे अनेक उदाहरण हमको मिलते हैं। रामायण महाभारत काल में अगर देखें तो सुजया और सुप्रभा नाम की दो दक्ष कन्याएं थी। उन्होंने 100 प्रकाशमान अस्त्रों का निर्माण प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए किया था, ऐसा एक उल्लेख मिलता है। अभी इस सब के बावजूद ये उदाहरण बिल्कुल आज तक है। जैसे आज मैं दिल्ली के सम्मेलन में थी, पिछले रविवार इसी प्रकार से जयपुर में सम्मेलन था, और मेरे बगल में बैठी थी एक कबड्डी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिनके कारण भारत को स्वर्ण पदक मिला, ऐसी खिलाड़ी बैठी थी। तो कहने का तात्पर्य है, चाहे आप आज की हमारी प्रमुख अतिथि हो या वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, तो आज तक, यानी सिर्फ वेद काल में नहीं था, वेद काल से लेकर आज तक महिलाओं का विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी भूमिका महिलाओं की हमें दिखाई देती है। मैं अधिक उदाहरणों में नहीं जाऊंगी, संक्षेप में कुछ विषय रखूंगी। लेकिन यह तो हमारा चिंतन है, मातृ स्वरूपा देखने का, बहन देखने का, मातृवत परदारेषु देखना देखने का, एक शक्ति स्वरूपा देखने का। लेकिन बीच के काल में हमें ऐसा ध्यान में आता है कि भारत में कुछ अवनति हुई, कुछ कुरीतियां आई, उसके पीछे भी कुछ कारण हुए। अब ये हमारा चिंतन है, लेकिन अलग लोगों का चिंतन क्या कहता है, जैसे मुस्लिम है, ईसाई है, तो उस विचारधारा में ऐसा मानते हैं कि पुरुष के पसली से महिला का जन्म हुआ। हाँ, पुरुष के पसली से स्त्री का निर्माण हुआ। स्त्री पापिणी है, शैतान की प्रतिकृति है, पुरुष के रंजन के लिए बनाई गई उपभोग्य वस्तु है, ऐसा ये दो मत मानते हैं, और इसलिए उसको दोयम स्थान है, सम्मान का स्थान नहीं है, इस प्रकार की एक विचारधारा है। तो इस सब के चलते हमारे देश पर अनेक आक्रमण हुए, मुस्लिमों के आक्रमण हुए, बाद में ब्रिटिशों के आक्रमण हुए। तो ये दो विचारधारा थी। पाश्चात्य देशों में क्या विचारधारा थी? आज तो संविधान निर्माण में भी महिलाएं हैं, हमारा जो संविधान है देश का, तो उसके निर्माण में भी महिलाएं हैं, लेकिन पाश्चात्य देशों में मत देने का अधिकार महिलाओं को नहीं था। वो कुछ वर्षों पहले महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला है। तो इसके कारण वहां बहुत बड़े महिलाओं के आंदोलन प्रारंभ हो गए, स्त्री मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हो गए, क्योंकि उनको अधिकार चाहिए थे। और उसी से एक स्त्री मुक्ति आंदोलन कहो, फेमिनिज्म कहो, वो चालू हो गया। उसका परिणाम क्या हुआ? स्त्री विरुद्ध पुरुष, हमको परिवार नहीं चाहिए, हमको बच्चे नहीं चाहिए, इस प्रकार की एक विचारधारा अपने देश में भी आने लग गई। हाँ, और इन सारे आक्रमणों के कारण कुछ कुरीतियां भी आई, स्त्रियों पर बंधन आए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, महिलाओं पर अत्याचार, हाँ, ऐसे अनेक प्रकार की कुरीतियां इसके साथ साथ आते चली। तो इस सब के विरोध में आज हमारे देश के कई समाज सुधारक हैं जिन्होंने इसके लिए काम किया। राजा राम मोहन राय है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, महात्मा फुले है, दयानंद सरस्वती है, महर्षि कर्वे है, सावित्रीबाई फुले है, भगिनी निवेदिता है। तो विधवाओं का पुनर्विवाह करना, इसके लिए भी समाज सुधारकों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, प्रयास करने पड़े। तो ऐसी कुछ कुरीतियां हमारे देश में आई, लेकिन उन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी साथ ही साथ हमारे देश में प्रयास प्रारंभ हो गए। तो आज क्या स्थिति है? स्वतंत्रता आंदोलन में भी हजारों महिलाएं थी जिन्होंने सहभाग लिया। आज अवकाश में जाने वाली महिला है, अवकाश में छोड़ने वाली टेसी थॉमस है जो उस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर थी, सीईओ है। 26 जनवरी के अगर आपने परेड देखी होगी तो मोटरसाइकिल पर एक बड़ा पिरामिड बनाती हुई भी महिलाएं हमको दिखाई देती है। एक कमला प्रसाद बिसेसर, एक उसकी बस घटना सुनाना चाहूंगी। ये कौन है?
कमला प्रसाद बिसेसर भारत की एक सुपुत्री है जो त्रिनिदाद एंड टोबैगो नाम का देश है अमेरिका के पास, वहां की राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्र की प्रमुख बनी। वो प्रमुख बनने के बाद उसको ऐसी इच्छा हुई कि एक बार मैं भारत जाऊंगी, अपने गांव में जाऊंगी। तो उत्तर प्रदेश बिहार उस क्षेत्र में उसका गांव था। तो वो कमला प्रसाद बिसेसर, देखो एक राष्ट्र की प्रमुख, वो उस गांव में जब पहुंची तो लोगों को पता चला था कि ये आने वाली है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, उस गांव के आसपास के 25-30 हजार लोग उनको देखने के लिए आए थे। ये है कमला प्रसाद बिसेसर। हम सिर्फ मानते नहीं है, स्त्री शक्ति स्वरूपा है। आज हमारे देश की एक सुपत्री, एक देश की राष्ट्र की प्रमुख है, वो हमारे गांव में आती है, बहुत बड़ा सम्मान उसका करते हैं। तब प्रतिभाताई पाटिल राष्ट्रपति थी, तो वह उनको भी जाकर मिलती है, झुककर प्रणाम करती है। ऐसी यह हमारी मातृशक्ति है। अभी मैंने जैसे बताया कि ये सब है, कुछ सकारात्मक स्थिति है, कुछ नकारात्मक स्थिति है। अभी इस सब से उभरने के लिए हम सबको कुछ बातें करनी पड़ेगी। बस उतनी कुछ बातें कह के मैं मेरा विषय समाप्त करूंगी। जैसे अभी भी बाल विवाह हो रहे हैं, विधवा के प्रति देखने की भेदाभेद की दृष्टि है, दहेज प्रथा है, घरेलू हिंसाचार है, व्यसनाधीनता है, OTT प्लेटफॉर्म्स पे गलत तरह का चित्रण दिया जा रहा है, दूरदर्शन के विज्ञापनों में कुछ गलत चित्रण हो रहा है, नक्सलवादी क्षेत्र में कुछ समस्याएं हैं, स्त्री भ्रूण हत्या हो रही है, ऐसे अनेक प्रकार के की समस्याएं, बलात्कार अत्याचार अनेक प्रकार की है। अभी इन सब में हमारी भूमिका क्या है? सबसे पहली बात, हम यह जो भारतीय चिंतन है उसको हम स्वयं समझें। आज जो हमने अभी 20-25 मिनट बात की, तो इस भारतीय चिंतन को पहले हमने समझना चाहिए, महिलाओं के नाते भी और पुरुष के नाते भी। दूसरी बात, हमारे परिवार में और समाज में इस भारतीय चिंतन को हमने बताना है, इसलिए ये आज का सम्मेलन है कि हम स्त्री की ओर देखने का हमारा दृष्टिकोण कितना श्रेष्ठ है, हमने अपने परिवार में बताना है। दूसरी बात, हमने स्वयं को पहचानना है। मैं एक स्त्री हूं, मेरे में क्या क्षमता है, क्या सामर्थ्य है, मैं कोई कम नहीं हूं। अरे ये कौन सा स्त्री का जन्म आ गया, ये क्या परेशानियां हैं। हाँ, हो सकता है कभी वो 4 दिन मन में एक बार भावना आती होगी, अरे ये क्या है, भगवान ने क्या दिया है, ये दुख दर्द, जब ऐसी स्थिति आती है तो वो 3-4 दिन लगता होगा, लेकिन वो तात्कालिक विषय है। लेकिन हमें अपने स्वयं के प्रति एक जो हमारा सामर्थ्य है, नया निर्माण करने की, सृजन करने की जो हमारे में क्षमता है, उसको हमने पहचानना होगा और अपने प्रति एक गौरव का भाव हमें रखने की आज आवश्यकता है। अपने परिवार में पुरुष, देवर, जेठ, जो भी है ना, सारे लड़का लड़की जो भी सब हैं घर के परिवार के सदस्य, उनकी महिलाओं के प्रति देखने की दृष्टि सही है क्या, उसके लिए हमें उनको योग्य दृष्टि देनी होगी। अपने धर्म का पालन करना होगा। आज महिला विषय बहुत सारी सरकारी योजनाएं हैं, वो हमको जाननी होगी और दूसरों को बतानी होगी, तो हम सक्षमता की ओर बढ़ेंगे। रिश्तेदार, नौकरी, व्यवसाय, हम जहां भी जाते हैं कार्यस्थल पे, तो वहां महिला के प्रति कैसा देखा जाता है। अभी उन्होंने बताया कि वाइस चांसलर को अलग तनख्वाह है अमेरिका में, भारत में ऐसा नहीं है। हम स्त्री पुरुष समानता बिना बोले भी सब कुछ समान समदृष्टि से व्यवहार होता है। स्त्री भ्रूण हत्या आज बड़ी समस्या है। राजस्थान का एक गांव है पिंपलंत्री, जब किसी कन्या का जन्म होता है तो 111 पेड़ लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की एक पूरक वातावरण आज हमें बनाने की आवश्यकता है। कुछ कुरीतियां हैं, कुछ गलत परंपराएं हैं, महिला विषयक जो व्रत है ना, व्रत है, त्योहार है, उसमें कुछ आडंबर आ गए हैं, कुछ गलत धारणाएं भी आ गई है। तो हम महिला होने के नाते उसमें समयानुकूल हमें परिवर्तन करना होगा, नहीं तो हमारी संस्कृति आगे आगे चलने में कुछ समस्याएं आएंगी। हमारे महिलाओं में कुछ विशेष गुण है, प्रेम है, वात्सल्य है, क्षमा है, सेवा भाव है। इन सब गुणों का उपयोग हमें समाज की भलाई के लिए करने की आवश्यकता है। अगर हमारी दृष्टि बदलेगी तो यह सृष्टि बदल जाएगी। राजमाता
जिजाबाई जिनका भी उन्होंने उल्लेख किया, इस बार छत्रपति शिवाजी महाराज का 350 साल है राज्यारोहण का, उनकी माँ राजमाता जिजाबाई, तो उनके बारे में कहते हैं, वो न माता थी केवल शिवा बाल की, चिंता करती थी मन में सभी राष्ट्र की, हम भी मातृत्व सुविशाल ऐसा करे, देश कार्यार्थ जीवन समर्पण करे। हम अपना जो मातृत्व मूल हमारे में जो भाव है ना, इट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल, इट इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल कंसेप्ट, इट इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। मातृत्व यह एक मानसिक भावना है, तो हम उस मातृत्व को विशाल करें, बस अपने परिवार तक सीमित न रखें, अपने परिसर समाज देश विश्व तक उस मातृत्व शक्ति को, उस मातृत्व के भावना को व्यापक करें। जो अभी गीत हमने सुना, हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग, अब जागने का और अधिक जागने का तो मैं नहीं कहूंगी, और अधिक जागने का यह समय आ गया है। इस प्रकार इस विशाल मातृत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें स्वस्थ जीवन प्रदान हो, हमारी क्षमताएं वर्धन होती रहे, ऐसी भारत माता से प्रार्थना करते हुए आप मैं वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।